कांग्रेस ने महंगाई मुक्त भारत अभियान के तहत राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन किया। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ बृहस्पतिवार को देशव्यापी प्रदर्शन किया। पार्टी की ओर से जारी बयान के मुताबिक पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने महंगाई मुक्त भारत अभियान के तहत राज्य मुख्यालयों पर धरना दिया। दिल्ली, जयपुर, मुंबई, हैदराबाद और कई अन्य शहरों में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के दाम में वृद्धि करके जनता पर 1.56 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ डाला है। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ईंधन पर उत्पाद शुल्क से सरकार की कमाई और बड़े औद्योगिक समूहों के कर्ज बट्टे खाते में डाले जाने का उल्लेख करते हुए सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट किया, मोदी मित्र को प्रत्यक्ष अंतरण, जनधन लूट योजना। बता दें कि देश में लगातार बढ़ती तेल की कीमत और महंगाई को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार का घेराव शुरू कर दिया था। गुरुवार को राहुल गांधी समेत कांग्रेस नेताओं ने विजय चौक पर धरना प्रदर्शन किया था। इस दौरान नेताओं ने गैस सिलेंडर और बाइक सामने रखे और उन पर माला डालकर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का विरोध किया था। राहुल के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अभिषेक सिंघवी भी मौजूद थे। उन्होंने रोल बैक फ्यूल प्राइस हाइक के नारे वाली तख्तियों के साथ प्रदर्शन किया था।